हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम GCS स्कूल। आज हम क्लास थर्ड में हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 12 उचित न्याय के आपको वर्ड मीनिंग कराएंगे। कल हमने आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको इसके शब्दार्थ लिखवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम शब्दार्थ। शब्द नंबर 1 है धूर्तता। धूर्तता मीन्स मक्कारी। नंबर 2 आवश्यकता। आवश्यकता मीन्स जरूरत। तुरंत, तुरंत माने तभी, तभी मतलब जब हमें अभी काम करना है, तुरंत कहते हैं ना, तुरंत काम करो, जैसे जस्ट अभी। नंबर 4 वनराज। वनराज मींस जैसे इसके नाम से जाहिर, वन वन माने जंगल, राज मीन्स राजा, जंगल का राजा, जिसका वन पर राज हो तो उसको कहते हैं हम वन का राजा या जंगल का राजा, या जंगल का राजा। ठीक है, वन माने जंगल होता है, वन या जंगल का राजा। नंबर 5 दुष्ट। दुष्ट माने बुरा, कहते हैं ना तू तो बड़ा दुष्ट है। दुष्ट यानी बुरा, बुरा मतलब बहुत बुरा, जिसके अंदर दया ना हो, दर्द ना हो, उसको हम कहते हैं दुष्ट, जो दूसरों पे अत्याचार करे। अब नंबर 6 है वेतन। वेतन माने पारितोषिक या पारिश्रमिक। परिश्रम करने पर जो प्राप्त होता है वेतन, उसको हम वेतन कहते हैं। अगर हम कहें वैसे, अगर नाम को शब्द को देखें वेतन, तो आप लोग कहोगे वेतन माने जिसका कोई तन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं। वेतन का मतलब होता है पारिश्रमिक, जो हम काम करते हैं, जो हम श्रम करते हैं, उसका हमें फल मिलना, वो होता है पारिश्रमिक। यानी सीधी सरल आसान भाषा में हम कहते हैं सैलरी, ठीक, उसको हम कहते हैं वेतन। तो बच्चों ये हो गए आज के आपके वर्ड मीनिंग। आज के लिए आपका होमवर्क है, टुडेज होमवर्क, लर्न एंड राइट क्लास वर्क इन नोटबुक। इसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर साफ हैंडराइटिंग में लिखना है और फिर लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।